नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका न्यूज़ 9 नेटवर्क में। मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं मॉर्निंग बुलेटिन। यहां आप देखेंगे देश और प्रदेश की तमाम छोटी और बड़ी खबरें। खबर शाहजहांपुर से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा आज सैकड़ों हिंदू युवाओं को त्रिशूल की दीक्षा दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय गौ सेवा प्रमुख कृष्ण कुमार सक्सेना ने बताया कि आज देश के सबसे बड़े संगठन मुसलमानों से अपना DNA मिलाने में लग गए हैं, अतः हमको समाज को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से जोड़कर अजय हिंदू शक्ति खड़ी करनी होगी। मुख्य वक्ता प्रांत सह संगठन मंत्री विवेक मिश्र नाइल ने बताया कि आज भी हिंदू खतरे में है। हमारी बहनों से लव जिहादी अपनी हौस मिटाने के बाद 35-35 टुकड़ों में काट रहे हैं। हिंदू भाइयों की जगह हत्याएं हो रही हैं, गौ हत्या बदस्तूर जारी है। JNU जैसे शिक्षण संस्थानों की दीवारों पर नफरती स्लोगन लिखे जा रहे हैं। जिहादी जनसंख्या बढ़ाकर देश पर कब्जा करने के लगभग करीब हैं और सरकार आत्ममुग्ध होकर खुद ही महिमा मंडल में व्याप्त है। वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा कि अतः हम हिंदू नौजवानों को ही संगठित होकर प्रतिकार करना होगा। कार्यक्रम में सैकड़ों युवाओं ने त्रिशूल धारण कर हिंदुत्व राष्ट्र की रक्षा की शपथ ली। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांत अध्यक्ष मुनिराज सिंह व अध्यक्षता वरिष्ठ समाजसेवी हरिओम गुप्ता ने की। वशिष्ठ अतिथि के रूप में सोनू भारद्वाज एवं कार्यक्रम में विभाग अध्यक्ष राहुल अवस्थी, कार्याध्यक्ष आहिप नीरज मिश्रा, प्रशांत चौहान पांडे, जिला अध्यक्ष विपिन सिंह सोनू छोटू, जिला महामंत्री राहुल सिंह, जिला उपाध्यक्ष अचलेंद्र सिंह, जिला मंत्री सुमित गुप्ता, प्रदीप श्रीवास्तव, जिला मंत्री तहसील अध्यक्ष अजय सिंह चंदेल, नगर अध्यक्ष जीत गुप्ता, सर्वे सक्सेना भोजपाल, भूपेंद्र सिंह परमार, कमलेश यादव, अरविंद सिंह, हर्षित श्रीवास्तव, मनोज राजपूत एवं उत्तम द्विवेदी, प्रवेश देवेश, शोभित निखिल सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यहाँ हुआ है, क्या कार्यक्रम था? आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल परशुरामपुरी जिले के द्वारा जी ये त्रिशूल दीक्षा समारोह का भव्य कार्यक्रम यहाँ पर किया गया जी। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर प्रणव तोगड़िया जी हिंदुओं को सुरक्षित बनाने का लक्ष्य लेकर निकले हुए हैं। आज के प्रदर्शन में जिहादी मानसिकता के लोग लव जिहाद के माध्यम से, लैंड जिहाद के माध्यम से, हिंदुओं के कत्लेआम के माध्यम से हिंदुओं को लगातार खत्म कर गजवा हिंद के सपने को साकार करना चाहते हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल किसी भी कीमत पर इस सपने को साकार नहीं होने देगा। हिंदुओं का सैनिकीकरण करेगा और जिहादियों को उनकी भाषा में माकूल जवाब देने के लिए इस हिंदू नौजवान को तैयार करेगा। इसी निमित्त यहाँ पर त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम संपूर्ण भारत के विभिन्न शहरों में चल रहा है। उसी कड़ी में परशुरामपुरी जलालाबाद में भी युवाओं के लिए बड़ी संख्या में त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम किया गया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।